फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो शिक्षक भर्ती के लिए जो आपको नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भरा रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो BSEB है वो इसको कराएगा। और इसमें आप देखिए दोस्तों कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन 2023, ये इसका स्टेट जो है उसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों कुछ ज़रूरी सूचना है, उसको ज़रूर देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के पहले देख लीजिए, एप्लीकेशन जो स्टेट भरने का स्टार्ट है वो देख लीजिए 9/8/2023 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है इसका फार्म भरने का वो आपका 23 तारीख है, 23/8/2023, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखिए पेमेंट जो है वो पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपका 23/8 है, ये आप देख सकते हैं, पेमेंट इस दिन तक आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अभी एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना एडमिट कार्ड का डेट अनाउंसमेंट हुआ है। अब एप्लीकेशन का जो फी कितना लगेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप सिंगल पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो जनरल और BC EBC के लिए 960 रुपया है, SC ST और PH के लिए 760 रुपया है, देख रहे हैं सिंगल पेपर के लिए है ये। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं, दोनों पेपर अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जनरल का फी है, देख लीजिए दोनों पेपर अगर आप भरना चाहते हैं तो जनरल BC और EWS के लिए 1400 रुपया है। उसके बाद जो है SC ST और PH के लिए अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1140 रुपया उसके लिए है ये। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों एज लिमिट है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एज लिमिट। तो एज आपका अकाउंट होगा 1/8/2023 से, एज आपका अकाउंट होगा 1/8/2023 से अकाउंट होगा, और मिनिमम एज जो है आपका 21 साल होना चाहिए, देख ले हैं, और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 फॉर मेल्स, आपको लोगों के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर फॉर फीमेल मैडम के लिए। एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बिहार सरकार का जो रूल है एज में छूट देने का उसके अनुसार आपको छूट भी मिलेगा एज में। उसके बाद जो है मित्रों बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेट यानी स्टेट के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी डिटेल्स बताया गया है। आपको पोस्ट नेम अगर आप पेपर वन भरते हैं जो सेकेंडरी के लिए है, स्कूल के लिए आपका पेपर वन है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए पेपर वन भरने के लिए, तो आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट, देख लीजिए इसको आप ज़रूर देखिए, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क एंड BET एग्जाम पास, आपको ये चाहिए, या ये वाला भाग मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड BET एग्जाम पास, या बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स एज पर द NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो नॉर्म्स बनाता है BET का, उसको जो नॉर्म्स बने उसके अनुसार आपको ये चाहिए नहीं, और क्योंकि ये दिया है आप इसको भी आप देख सकते हैं, 4 ईयर कोर्स ऑफ BA BET एग्जाम पास फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड पर नोटिफिकेशन में जाकर आप और बढ़िया से इसको डिटेल देख सकते हैं। तो ये पेपर वन के लिए हो गया। आपको पेपर सेकंड देखिए, पेपर सेकंड इसमें के लिए आपको पेपर सेकंड जो है ये सीनियर सेकेंडरी के लिए है, तो इसमें आपको क्या चाहिए ये वाला भाग देख लीजिए पहले, कि मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड BET एग्जाम पास, BA BET जो है पास चाहिए, समझ में आ गया आपको। उसके बाद या ये देखिए ये वाला भाग, कि मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स एज पर NCT या BET।
आपको यहाँ पर भी एक और दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स एंड 3 ईयर्स बीएड एमएड कोर्स। मतलब पर मास्टर डिग्री है तभी आप पेपर टू के लिए क्या है एलिजिबल है, और बीएड पास चाहे एमएड पास, मास्टर डिग्री रहेगा तो इस क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी के लिए है। अब देखिए दोस्तों कि ऑनलाइन फार्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो अनिवार्य है आपको, देख लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा फार्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको लगेगा ये पासपोर्ट साइज वाइट और लाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर स्कैन, ये आप देख लीजिए, स्कैन कॉपी चाहिए इन सब डॉक्यूमेंट्स का, 10th के मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जिस पर आता है वो वाला चाहिए, इंटरमीडिएट का चाहिए 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट, मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और बीएड एग्ज़ाम मार्कशीट सर्टिफिकेट अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे, और अदर में आपको चाहिए जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी निवास, जाति और निवास दोनों चाहिए। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए मित्रों फार्म को भरने के लिए।